हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल टीके एच तेजिस नॉलेज हब टुडे वी डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज ऑप्शन ए है एंटेनी वैन ल्यूबन हॉक ऑप्शन बी रॉबर्ट कॉच ऑप्शन सी लुइस पास्टर और ऑप्शन डी है हैंसन माइक्रोबायोलॉजी का फादर हम किस साइंटिस्ट को कहते हैं तो हमारा आंसर है आंसर ए एंटनी वैन ल्यूवेन हॉक एंटनी वैन ल्यूवन हॉक इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द फर्स्ट माइक्रोस्कोप तो ये साइंटिस्ट ने क्या है फर्स्ट माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था तो इसे हम फादर ऑफ़ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कार्ड कि बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए है हमारी माइकोलॉजी ऑप्शन बी बैक्टीरियोलॉजी ऑप्शन सी वायरोलॉजी ऑप्शन डी निमाटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड हमारा आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरियोलॉजी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा द शेप ऑफ द बेसिलस इज जो बेसिलाई है हमारे वो हमें किस शेप पे दिखाई देते हैं तो ऑप्शन ए है राउंड ऑप्शन बी है हमारी ओवल ऑप्शन सी रोड शेप एंड ऑप्शन डी स्पाइरल शेप तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी रोड शेप जो बेसिलस हैं वो हमें रोड शेप के दिखाई देते हैं और जो हमारे कोकाई हैं वो हमें ओवल या फिर राउंड दिखाई देते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ द आउटर म्यूसिलीनियस लेयर अराउंड द बैक्टीरिया इज कार्ड ऑप्शन ए साइटोप्लाजम ऑप्शन बी पिलाई ऑप्शन सी सेल वॉल एंड ऑप्शन डी कैप्सूल तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी कैप्सूल नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पॉपुलेशन डिक्रीज ड्यू टू द डेथ ऑफ सेल सीन इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में जो सेल्स की डेथ है वो हमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व के किस फेज में जो है वो दिखाई देती है तो हमारा जो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए है लैग फेज ऑप्शन बी लॉग फेज ऑप्शन सी डेक्लाइन फेज एंड ऑप्शन सी स्टेशनरी फेज तो जो हमारा आंसर है डेट इज़ द ऑप्शन सी डेक्लाइन फेज जो ग्रोथ कर्व का डेक्लाइन फेज है उसमें क्या है जो सेल्स की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है तो हमें इस फेज में जो है जो सेल्स सेल uh, जो है बैक्टीरियल सेल्स उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन बैक्टीरिया किसी भी बैक्टीरियल सेल में लोकोमोशन मोटिलिटी का जो ऑर्गन है वो कौन सा है तो ऑप्शन है हमारी ऑप्शन ए वॉल ऑप्शन बी फ्लैजेला सी फिम्ब्रिया और डी साइटोप्लाजम एंड द आंसर इज ऑप्शन बी फ्लैजेला तो जिस भी बैक्टीरिया सेल में फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो वो बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट कर सकता है अपनी लोकोमोशन कर सकता है अगर फ्लैजेला नहीं होगा तो वो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होगा नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवन स्टडी ऑफ फंजाई इज़ जो हमारे फंगस है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं उसकी स्टडी के लिए ऑप्शन माइकोलॉजी ऑप्शन बी पैरासाटॉलोजी ऑप्शन सी वायरोलॉजी ऑप्शन डी है बैक्टीरियोलॉजी और हमारा आंसर है आंसर ए माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई और फंगस इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी देन क्वेश्चन नंबर एट फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज़ बैक्टीरियोलॉजी का फादर हम किस साइंटिस्ट को बोलते हैं ऑप्शन ए है हमारी एंटनी वैन ल्यूमन हॉक ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच ऑप्शन सी लुइस पाशर एंड ऑप्शन डी हैंसन और हमारा आंसर है ऑप्शन सी लुइस पास्टर जो लुइस पास्टर साइंटिस्ट हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम जो है उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया कौन से सेल्स हैं ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक ऑप्शन बी यू कैरियोट्स ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो हमारा आंसर है बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक ऑप्शन ए इज अवर आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन ऑर्गन ऑफ एडहेशन इन बैक्टीरिया इज पहले हमने डिस्कस किया था ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन बैक्टीरिया डेट इज अ फ्लैजेला अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गन ऑफ एडहेशन जो किसी भी बैक्टीरियल सेल की कहीं भी अटैचमेंट में हेल्प करता था तो वो कौन सा ऑर्गन है तो हमारी ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्लैजेला ऑप्शन बी सेल्वॉल ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी फिम्ब्रियाई तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी फिम्ब्रियाई और पिलाई हम फिम्ब्रिया को पिलाई भी कहते हैं तो so, अगर हम पिलाई कहीं पर आता है ऑप्शन में तो उसे भी हम चूज कर सकते हैं तो ऑर्गन ऑफ जो एडिहेशन है किसी भी बैक्टीरियल सेल में डेट इज द फिम्ब्रियाई और पिलाई और ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन डैट इज द फ्लैजेला द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन बैक्टीरिया इज़ कौन सा बैक्टीरिया जो हमें कोमा शेप दिखाई देता है ऑप्शन ए है हमारी कॉलरा ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकाई ऑप्शन सी इकोलाई e. एंड ऑप्शन डी स्टफाइलोकोकाई तो so, हमारा आंसर है ऑप्शन ए कॉलरा डेट इज लुक लाइक ए कोमा शेप बैक्टीरिया देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व प्रेजेंस ऑफ वन फ्लैजम एट वन एंड ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज कार्ड तो जब हम किसी भी बैक्टीरियल सेल में फ्लजाला की अरेंजमेंट पे अगर डिस्कस करते हैं तो उस अरेंजमेंट में अगर किसी एक एंड पे एक ही फ्लजाला प्रेजेंट है तो हम उस उसे क्या कहेंगे तो फर्स्ट हमारी ऑप्शन लोपो लो ट्राइकेट ऑप्शन बी एम्फी ट्राइकेट ऑप्शन सी ट्राइकेट एंड ऑप्शन डी इज़ पेरी तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी मोनोट्राई अगर किसी भी बैक्टीरिया सेल में एक एंड पे एक ही फ्लैजला प्रेजेंट है तो हम उसके मोनोट्राइकेट बोलेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन बैक्टीरिया विच कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड बैक्टीरिया जो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए है हमारी फैकल्टिटिव एनारॉब्स ऑप्शन बी एनारॉब्स ऑप्शन सी एरोब्स एंड ऑप्शन डी ऑप्लिकेट एनारॉब्स तो जो मेनली बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं उसे हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया एरोब्स एंड ऑप्शन सी इज़ अवर आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बैक्टीरिया विच कैन ग्रो बिटवीन जीरो टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कार्ड बैक्टीरिया जो के जीरो टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ग्रो कर सकते हैं उन बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे ऑप्शन ए है हमारी बिजोफिल्स ऑप्शन बी एनरब्स ऑप्शन सी थर्मोफील्स एंड ऑप्शन डी साइक्रोफील्स एंड आंसर इज ऑप्शन डी साइक्रोफील्स नेक्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व मैक्सिमम मल्टीप्लाइकेशन ऑफ सेल इज सीन इन तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में जो मैक्सिमम बैक्टीरियल सेल की मल्टीप्लाइकेशन होती है तो वो दिखाई देती है वो किस फेज में दिखाई देती है ऑप्शन ए हमारी लेग फेज ऑप्शन बी लॉग फेज ऑप्शन सी स्टेशनरी फेज़ एंड ऑप्शन डी इज़ डेक्लाइन फेज एंड अवर आंसर इज ऑप्शन बी लॉग फेज तो बैक्टीरियल अगर ग्रोथ कर की हम बात करें तो उसमें चार फेजेस आते हैं हमारे लेग फेज लॉग फेज स्टेशनरी फेज एंड द डेक्लाइन फेज लेग फेज़ में क्या है कोई मल्टीप्लाइकेशन नहीं होती बैक्टीरियल सेल की जस्ट बैक्टीरियल सेल प्रिपेयर करते हैं अपने आपों को फॉर द मल्टीप्लाइकेशन और जो हमारा लॉग फेज है सेकेंड फेज उसमें मैक्सिमम मल्टीप्लाईकेशन दिखाई देती है हमें बैक्टीरियल सेल की थर्ड हमारा आ जाता है स्टेशनरी फेज स्टेशनरी फेज में क्या होता है जो बैक्टीरियाज हैं वो स्टेशनरी फेज में उनकी डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों इक्वल होते हैं तो इसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज देन नेक्स्ट हमारा लास्ट हो आता है डैट इज़ द डलाइन फेज तो डेक्लाइन फेज में क्या बैक्टीरियल सेल्स की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है तो उस वजह से जो नंबर है बैक्टीरियल सेल्स का वो कम हो जाता है तो इसे हम कहते हैं डेक्लाइन फेज तो ये थे हमारे फिफ्टीन क्वेश्चन जो हमने माइक्रोबायोलॉजी के डिस्कस किए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर और जो है माइक्रोबायोलॉजी के एम डिस्कस करेंगे इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक शेयर एंड कॉमेंट Thanks for watching.